हेलो गाइस, वेलकम बैक। नया दिन, नई जोश, नई उमंग के साथ मैं ले आया हूँ आपके लिए आज फिर एक नया कंटेंट। वीडियो के टाइटल को आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो एक टाटा टियागो की जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई उसके बारे में डिस्कस करने वाली है। पर उसके पहले दोपहर के बज गए हैं 1:30 और मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो लेट्स गो ऑन ए स्मॉल राइड और इसी बीच मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में एक छोटा सा हिंट भी दे दूंगा। बस गाड़ी चालू हो जाए भगवान, 7 दिन से गाड़ी बंद थी, चालू हो गई। पेट पूजा तो हो गया, अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम मेरे साथ हुई क्या। तो गाइज आपको याद होगा मैं कह रहा था कि ये भगवान प्लीज गाड़ी चालू हो जा, प्लीज गाड़ी चालू हो जा, 7 दिन से बंद थी। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इंसिडेंट ही कुछ ऐसी हुई थी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसलिए मैं चला गया था अपने होम टाउन 1 महीना के लिए, पर मैंने अपनी इस धन्नों की जिम्मेदारी छोड़ी थी अपने एक दोस्त के ऊपर और बोला था कि हर 7-7 दिन में गाड़ी ऑन करते रहना। 1 वीक तो उस दोस्त ने अपना फर्ज निभाया पर फिर वो भूल गया। फिर 10 दिन बाद जब मैंने अपने निकम्मे दोस्त को उसका फर्ज याद दिलाया तो फिर वो वापस ऑन करने आया, पर 10 दिन के बाद गाड़ी ऑन हुई ही नहीं। दिस इज सो स्ट्रेंज। 1 महीना अगर गाड़ी नहीं चलाओ तब ऑन ना हो तो मैं समझ सकता हूँ, पर 10 दिन में ही गाड़ी ऑन नहीं होगी। ये डेफिनेटली बैटरी की प्रॉब्लम है, बट आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही धन्नों में है कि और भी धन्नों में होगी। एंड यू नो व्हाट, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम हो गई, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई। और जब गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाती है तो विदाउट इंस्पेक्शन आपको फ्रेश इंश्योरेंस इशू नहीं होता। तो मैं अपना होम टाउन में बैठा बैठा यहाँ बैंगलोर में इस गाड़ी की जम स्टार्ट करवाया हूँ, तब जाकर के मेरी इंश्योरेंस रिन्यू हुई है। अगर 10 दिन गाड़ी नहीं चल रही और गाड़ी बंद हो जा रही है तो इंडीड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और मैं इसका कंसर्न रेज करूंगा टाटा में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को भी क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वो भी कर दीजिए। बाय बाय।